वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में भारत लगातार छठे साल शीर्ष पर। रिपोर्ट के अनुसार शटडाउन का प्रभाव विशेष रूप से महिलाओं के लिए गंभीर था, जिससे हत्या, बलात्कार, आगजनी और अन्य लिंग आधारित हिंसा सहित अत्याचारों का दस्तावेजीकरण करना और अपराधियों को जवाबदेह ठहराना अधिक कठिन हो गया। विशेष अदालत द्वारा शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद EDPMLA की धारा 19 के तहत आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट। मुंबई होर्डिंग हादसा, खोज एवं बचाव अभियान बंद, मरने वालों की संख्या 16 हुई। NCBC ने पंजाब, पश्चिम बंगाल में OBC के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाने की सिफारिश की। हरियाणा में दिवंगत सैन्यकर्मी ने अंगदान कर 3 लोगों को दी जिंदगी। कोटा में कार में बंद होने के बाद दम घुटने से बच्चे की मौत। प्रतिबंध हटने पर प्रतिबंधित जमात ए इस्लामी जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। इस साल फरवरी में केंद्र ने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों को जारी रखने के लिए जमात पर प्रतिबंध को 5 साल के लिए बढ़ा दिया था। छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ IPS अधिकारी ने गूगल से उसके सर्च इंजन पर प्रदर्शित कंपनियों के फर्जी ग्राहक सेवा नंबरों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर जिले में कार और बस की आमने सामने टक्कर में 4 की मौत। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मौतों पर शोक व्यक्त किया और कहा कि राज्य सरकार मृतकों के परिजनों को मुआवजा देगी। लोकसभा चुनाव, खड़गे ने इंडिया ब्लॉक की जीत पर मुफ्त राशन दोगुना करने का वादा किया। NCW ने अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव को 17 मई को तलब किया। केजरीवाल के पूर्व PS पर दिल्ली CM के आवास पर राज्यसभा आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। गिरफ्तार झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को 6 दिन की ED हिरासत में भेज दिया गया। आलम को बुधवार को यहां एजेंसी के कार्यालय में ED द्वारा 9 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था।